एवरीवन, माय नेम इज स्मिथ। आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। कल से काफ़ी सारे कैंडिडेट के कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं कि आधार कार्ड की वैकेंसीज आ गई, आपने हमें बताया नहीं, हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या ये वाकई में अपडेट आए हैं। तो सारा चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को आपने कम्प्लीट ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरीके से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आ चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं वेबसाइट। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे, ये जो आधार कार्ड का अपडेट आया हुआ है इसमें कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, जॉब किस टाइप की आपकी रहने वाली है। तो सारे आपके डाउट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करने ही वाली हूँ। मोस्ट डिमांडेड वीडियो थी जो कमेंट्स को देखते हुए मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी ज़रूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। सबसे पहले तो देखिए, आधार कार्ड की जो वैकेंसीज आउट की जाती है वो आउट की जाती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया मीन्स UIDAI की तरफ से। ये अपडेट तो ज़रूर आया है, बट इसके लिए पहले तो मैं आपको बता दूँ कौन कौन सी वैकेंसीज और इसमें सैलरी आपके क्या रहने वाली है। सैलरी अलग अलग पोस्ट वाइज है जिसमें आपकी 34,800 से 67,700 आपकी इन हैंड इसमें सैलरी रहने वाली है। तो मेल फीमेल दोनों एलिजिबल रहते हैं, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करूँ यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की, एग्ज़ाम कोई नहीं है, विदाउट एग्ज़ाम आपके इसमें सिलेक्शन होती है। फ़ी कोई पे नहीं करनी है, चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है। इसके लिए पहले अगर बताऊँ अप्लाई कैसे करना है, मैंने आपको इसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। क्लिक करेंगे नया पेज ओपन होगा, लास्ट में मिलेंगे रिक्वायर्ड लिंक। पहला नोटिफिकेशन पीडीएफ का, सेकंड आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन पीडीएफ विद एप्लीकेशन फॉर्म। अलग अलग लोकेशन वाइज वैकेंसीज है, फॉर्म इन्होंने नोटिफिकेशन के साथ ही अटैच किया है। आपको क्या करना है, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल कर फिल करना है, अपनी सारी डिटेल्स फिल करके, आपका नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करनी है। उसके बाद नीचे आपके डेट मेंशन करके सिग्नेचर करके इनके गिवन एड्रेस पे आपको सेंड करना है। इनवेल्व के बाहर मेंशन जरूर करना है आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइप की वैकेंसीज है जो इसमें आउट की गई हैं। वैकेंसीज इसमें बहुत टाइप की है, बट मैं आपको क्लियर कर दूं क्योंकि आपके बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे क्या इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल है। नो, इसमें फ्रेशर्स एलिजिबल नहीं है, हर कोई अप्लाई नहीं कर सकता। इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो पहले नहीं बनाई थी, ये जॉब अपडेट तो 7 दिन पहले ही आ गया था, बट इतने सारे कमेंट्स आए तो मैंने सोचा अपडेट देना तो बनता है कि ये अपडेट है क्या, एक्चुअल में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या टाइम वेस्टेज है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे वैकेंसीज बताऊँ, रीजनल ऑफिसर की है, प्राइवेट सेक्रेटरी की है, असिस्टेंट की है, स्टेनो की है, सेक्शन ऑफिसर की है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की वैकेंसीज है, अकाउंटेंट की है, डायरेक्टर की वैकेंसीज है जो उसमें आउट की गई हैं। अब यहाँ पे अगर आप एज लिमिट देखोगे मैक्सिमम 56 है, मिनिमम तो कोई डिस्क्राइब ही नहीं किया, आप एज से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ्रेशर के लिए नहीं है। इवन यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ जो ऑलरेडी वर्किंग कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे 10th हो, 12th हो, ग्रेजुएट हो, फ्रेशर्स अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अप्लाई मत करना इस अपडेट के लिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे थे कि हम अप्लाई करें कैसे करें, आपने हमें अपडेट नहीं बताया। तो इसलिए मैं आपके लिए ये क्लियर कर रही हूँ, इसलिए मैं पहले अपडेट ये आपके लिए नहीं लेकर आई थी, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये वर्थ है। तो अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले, और फर्स्ट टाइम आप चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.